सीधी जिले के सिहावल तहसील में पदस्थ दीपेंद्र सिंह तिवारी की बोलेरो वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। यह पूरा हादसा हुआ है सीधी जिले के कमरजी थाना क्षेत्र अंतर्गत रेही नदी के पास, जो सीधी से सिहावल तहसील मुख्यालय अपने कार्य के लिए आ रहे थे कि लगभग दोपहर 12 बजे के आसपास जैसे ही वह रेही नदी के समीप पहुँचे कि एक टर्निंग होने की वजह से, जैसा कि चालक ने बातचीत के दौरान बताया है कि टर्निंग थी और बाइक सवार को बचाने के चक्कर में उनकी गाड़ी अनियंत्रित हो गई और लगभग ये कहा जाए कि 25 से 30 फीट गहरी खाई में गिर गई। जैसा कि आप चलती हुई विजुअल में हमारे देख रहे हैं कि गाड़ी के चारों पहिए ऊपर हो गए हैं। गनीमत यह रही कि इसमें सभी बाल बाल बच गए हैं। हालांकि जो अभी प्रथम दृष्टया जानकारी मिल रही है उसमें दीपेंद्र सिंह तिवारी जो सिहावल तहसीलदार हैं उनके दोनों कंधे फ्रैक्चर हो गए हैं और 3 नसें भी टूट गई हैं, जो प्रथम दृष्टया अभी जानकारी मिल रही है। वहीं जो पेशकार हैं बताया जा रहा है उनको भी काफ़ी चोट आई है और एक पटवारी हैं अतुल उपाध्याय, उनका हाथ भी टूट गया है। वहीं इस गाड़ी में कुल 5 लोग सवार थे, सिहावल तहसीलदार की पत्नी भी थी वो और चालक रोहित द्विवेदी। इस पूरे घटना में बाल बाल बचे हैं, सभी का उपचार मिश्रा नर्सिंग होम सीधी में जारी है। फिलहाल अगर घटनास्थल की बात की जाए तो घटनास्थल पर काफ़ी भीड़ है। ग्रामीणों के द्वारा ही जैसे ही यह घटना हुई घटनास्थल पर चीख पुकार मची और ग्रामीणों के द्वारा दौड़कर यहां पर सभी को बाहर निकाला गया और निजी वाहन से सभी को मिश्रा नर्सिंग होम में उपचार के लिए ले जाया गया है। जैसा कि हमारी चलती हुई विजुअल के माध्यम से भी आप देख सकते हैं कि सभी का वहाँ पर उपचार सुचारू रूप से जारी है। और अगला अब डॉक्टर की क्या रिपोर्ट आती है, क्या मेडिकल रिपोर्ट आती है, किसको कितनी चोट लगी है, पूरी जानकारी नेक्स्ट अपडेट में।